हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था अपने टेलीग्राम चैनल के, सारे कमेंट पढ़ रहा था। अगर किसी दोस्त को, मतलब मेरे को दो तीन कमेंट ऐसे आए थे जिनके बारे में मैंने सोचा भी है कि अभी कि अगर किसी को ये कमेंट सेक्शन ऑन कराना है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है और आपको एक घंटे के लिए, मेरे को अभी कुछ दोस्तों ने बोला है कि आप एक घंटे के लिए जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो आप कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिए तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा का पूरा अपना डाल दूंगा कि कब मैं कमेंट सेक्शन ऑन करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे को, अगर आप सबकी क्वेरी आती है कि हाँ सीरियसली आपको कमेंट ऑन करने हैं, तो मैं एक या दो घंटे के लिए, एक दिन के लिए ऑन कर दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी है उस पर पूछ लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ है आपके माइंड में तो आप यस करके, या फिर आपको अगर करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सीरियसली उसको ऑन कर दूंगा। लेकिन उसको ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिसबिहेव ज़्यादा होता है। उसका एक ही रीज़न है जो मैंने ऑफ़ कर रखा है, मेरा कोई पर्सनल ग्रेडियंट नहीं है, बट उसको खाली ऑफ़ करने का एक ही रीज़न है कि वहाँ जो है यार, आप मतलब बहुत भाई ऐसे हैं कि जो खाली, मतलब जो होते हैं ना कि वल्गैरिटी करना, तो इस वजह से मैंने ऑफ़ कर रखा है। बट एनीवे, जब भी अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये इस वैकेंसी के बारे में मेरे को आज ही पता लगा, और इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, ना आपने कभी देखा होगा। तो मैं आपके लिए, ये जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंडर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैंने थंबनेल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डाल दिया था। बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन दूंगा, बहुत जल्दी से आपको इसको ख़त्म कर दूंगा। और ये नोटिफिकेशन में, जी हाँ, फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है। इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं जी? 2020 अप्रैल के बाद के पास आउट वाले, चाहे बीटेक हो या फिर आप डिप्लोमा हो, दोनों ही एलिजिबल है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है दोस्तों? केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। बट अगर कोई दोस्त इनसे अलावा देख के और अभी वीडियो स्किप करके जाने वाला है, तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलूँगा कि आपके लिए ऑल वीडियो लाता हूँ, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। या फिर अगर आप यहाँ भी जा रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो 1 ईयर का रहने वाला है। टोटल सीट जो इसमें दी हैं 5, 3, 1, 1, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं इसको फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी वैकेंसी है, तो छोटा ही नोटिफिकेशन होगा, बस आप तक पहुँच जाए। और इसमें जो स्टाइपेंड मिलने वाला है 9000 मिलने वाला है ग्रेजुएट वाले को, 8000 मिलने वाला है डिप्लोमा वालों को। बट इसके अलावा दोस्तों आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होगी, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, और कोई फीस नहीं है, और डायरेक्ट इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे होगा। मेरिट किस हिसाब से सिलेक्ट होगी वो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। और इसमें जैसे कि मैंने बोला है कि 2021 वाले, 2020 वाले और 2022 वाले, क्योंकि इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि 2022 वाले पास आउट एलिजिबल है या नहीं है, तो दोस्तों 2022 वाले डायरेक्टली एलिजिबल है, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप स्कीम आई है 2022-23 के अंडर आई है। और दोस्तों ये पोस्ट आउट कोई भी हुई है, 15 तारीख को ही पोस्ट आउट हुई है, और आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है और कैसे होना है। बस आपको इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है, इसका अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट उससे पहले एक चीज़ याद रखना है कि मेन क्या है, आप कभी भी CGPA, मतलब एक चीज़ मैं बता दूं कि 2015 की बात है, जब मैं अपनी 2000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 17 की बात है, जब मैं अपना गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे को इसके बारे में पता लगा था। तो यहाँ 12 वैकेंसी निकली थी और फिल करने वाले कितने थे? 7। जी हाँ, सिर्फ इस वजह से कि 12 वैकेंसी में हमारा क्या नंबर आएगा, और जिन्होंने फिल किया था उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, सिर्फ कॉल गई थी कि आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और आपको अगर अप्रेंटिसशिप करते भी हो तो दोस्तों मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बहुत भाई ऐसा मेरे से पूछते हैं अप्रेंटिसशिप करना ठीक है या नहीं है, तो मेरी पर्सनली राय ये है बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमें काम तो सीखने का मौका मिलता है, प्लस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट भी बनते हैं, प्लस हमें थोड़ा सा काम भी आ जाता है, और हमारे एक्सपीरियंस में भी और हमारी जो बायोडाटा होता है उसमें भी एक कॉलम बढ़ जाता है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप जरूर कीजिएगा। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना है डायरेक्ट, और जिन्होंने वेन्यू दे दिया है ये दिया है, पूरा का पूरा यहाँ लिखा है। बस आपको क्या है कि दोस्तों अपनी CGPA नहीं लिखनी है, आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, CGPA को अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हो तो जितनी भी आपकी CGPA है उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से। अगर आपकी CGPA एज्यूम कीजिएगा 7.2, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो दोस्तों ये
जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 3/4, मतलब जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 3 अप्रैल को, तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि नो रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट, आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। इसका नोटिफिकेशन का लिंक भी और इसका अप्लाई लिंक भी दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दूंगा। बस ये कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएट वाले, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तीन ही ब्रांच एलिजिबल है। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका लग जाता है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ रहने वाली है, जी हाँ इनमें पोस्टिंग भी इन्होंने मेंशन कर दी है, फैक्ट्री खाद की पूना और जो है पूना में और खाटकी में, और इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल, ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट के पर्टिकुलर आप चाहिए। तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं उसमें सारे अपडेट दे रहा हूँ। और टेलीग्राम पे मैं अभी जो हूँ, मैं खुद भी, मेरे को अच्छा लगा कि जिन्होंने बोला है मेरे को, तो कमेंट सेक्शन ऑन करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन मैं ऑन कर दूंगा। बस आप जो है टेलीग्राम ये कंफर्मेशन दे दीजिए, अगर जिसके कोई भी डाउट है तो मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा। बट मैं आपको अप्लाई वो जो नोटिफिकेशन का वो है कि मैं टेलीग्राम कब अपना ऑन कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन कब ऑन कर रहा हूँ, वो भी मैं टेलीग्राम पर बताऊँगा। इसीलिए टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जल्दी जाके एक बार उसको चेकआउट कर ले, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वैकेंसी डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के लिए मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।